नमस्कार दोस्तों, आज 24 अगस्त है। एक बार की बात है, एक समुद्र में एक जहाज़ जा रहा होता है और अचानक से वो जहाज़ बंद हो जाता है। अचानक से उसका इंजन जो है वो काम करना बंद कर देता है। अब बीच समुद्र में इंजन बंद कर हो जाए तो किसी के लिए भी आफत की बात हो सकती है। और आप जानते हैं कि समुद्र के अथाह पानी के बीच में यदि कोई जहाज फंस जाए तो क्या हालत हो सकती है। जान माल सब का नुकसान हो सकता है ना, और ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो यही होता है और वो बीच में फंस जाता है। अब जो उसका कप्तान होता है वो बहुत चिंतित हो जाता है कि अब क्या किया जाए, कैसे इंजन स्टार्ट किया जाए, है ना। और किसी सहायता भी मांगे तो वो भी काफ़ी लेट पहुंचेगा, तब तक कोई मतलब नुकसान ना हो जाए या बड़ी चीज़ें ना हो जाए, क्या किया जाए, किसी वापो में होता है। तो एक आदमी निकल के आता है और कहता है कि मैं इस जहाज़ के इंजन को ठीक कर सकता हूँ। तो कप्तान बोलता है फिर ठीक कर दो। तो वो कहता है कि इसके बदले मुझे $20,000 चाहिए। $20,000 की रकम बहुत बड़ी रकम है ना। ऐसा नहीं कि कम, हम लोगों को लगता होगा कि 20,000 रुपये, $20,000 तो ठीक ठाक रकम मानी जाती है। तो कहता है कि इसको ठीक तो कर दूंगा लेकिन $20,000 लूंगा। अब $20,000, कप्तान मुसीबत में। तो कहता है कि ठीक कर दो, कोई बात नहीं, $20,000 देंगे। बोला मुकरना नहीं, $20,000 लेंगे। तो बोला ठीक है। बोलता है एक हथौड़ा दो। कप्तान देता है हथौड़ा, है ना। मुसीबत में फंसा है तो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। हथौड़ा लेता है वो व्यक्ति और इंजन के एक खास जगह पे चोट करता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है और सभी यात्री सामान सहित सकुशल किनारे पे लग जाते हैं। अब वो कहता है कि मुझे $20,000 दे दो। तो आपने देखा होगा कि काम होने के बाद हम पैसे देने में आनाकानी करते हैं। तो कप्तान कहता है कि $20,000 क्यों चाहिए तुम्हें, ये तो $1 में भी कोई कर सकता था। हाँ, थोड़ा मारना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, थोड़ा मारना $1 के लिए, $1 की बात है ना, $1 बहुत है। वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ, थोड़ा मारना, मारने का काम $1 का ही है, लेकिन सही जगह पे हाँ थोड़ा मारना, उसके लिए मैं $19,999 चार्ज कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा मारना $1 का ही काम है, लेकिन जो बाकी के $19,999 हैं वो इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने हथौड़ा सही जगह पे मारा है। तो दोस्तों, आपके काम की भी कद्र होगी यदि आप किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, ठीक है। तो यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिखें, अच्छी लगी बुरी लगी ऐसा भी कमेंट कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और आज 24 अगस्त है और द हिंदू लेखक फिर से हाजिर हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, तो फ्रंट पेज में हमें एवरीबडी वांट्स फ्रीबी टू कंटिन्यू, है ना, CGI फ्रंट पेज, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो सभी लोग हैं वो क्या रहे हैं कि फ्रीबी कंटिन्यू। कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये पार्टियों को लेकर टिप्पणी कही गई। ऑल ऑन वन साइड एंड एवरीबडी वांट फ्रीबीज टू कंटिन्यू। इन्होंने टिप्पणी करी है कि सभी पार्टियां एक जैसी हैं और ये चाहती हैं कि फ्रीबी दें। अब फ्रीबीज देने का अर्थ है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा, हमें यह भी देखना चाहिए। साथ ही साथ यह देखना चाहिए कि कौन से जो सामान है या कौन सी सुविधाएं हैं या कौन सी वस्तुएं हैं जो फ्रीबीज के अंतर्गत आएंगी और कौन सी वस्तुएं हैं
जिन्हें हम वेलफेयर के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, इस पर बहस हो रही है और बहुत तेज़ी से बहस हो रही है। जैसे अभी किसी ने कह दिया कि हम आपको टेलीविज़न देंगे, तो ये आवश्यक वस्तुओं में नहीं है। यदि किसी ने कहा कि हम साइकिल देंगे महिलाओं को ताकि वो अपने काम पे जा सके, स्कूल जा सके, तो ये आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके की बातें हैं और अभी फ्रिज भी पे बहस चल रही है, तो अभी थोड़ा लगाइए और सोचिए कि क्या कौन सी बातें सही हैं, या कौन सी पार्टियां फ्रीबी दे रही हैं, या कौन सी पार्टियां वेलफेयर स्कीम के लिए काम कर रही हैं, इसे देखिए। ठीक है, इसके बाद है द केस ऑफ द मिसिंग साइंटिफिक इंडियन, है ना। साइंटिफिक इंडियन, इंडिया हैज़ फेल्ड टू प्रोपगेट साइंटिफिक लिटरेसी नॉट ओनली अमंग द पब्लिक बट ऑल्सो अमंग साइंटिस्ट देमसेल्फ। यहाँ पे भारत के जो उसके विकास हैं, मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा कि आज जो है बहुत तेज़ी से नौकरी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है वो जॉब की तरफ है और हम R&D पे जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी सुविधाएं या बहुत अच्छे पैकेजेस नहीं हैं। हम देखा होगा आपने कि बहुत लोग हैं IITian बनते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे खासे पैकेज लेके वो बाहर चले जाते हैं, और कोई भी जनरली साइंस लेके पढ़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि आप शिक्षा में, जो भी शिक्षा है जिसको बढ़ावा देना चाहते हो, यदि वो रोजगार परक नहीं है, तो उस क्षेत्र में सामान्यतः बहुत कम लोग जाना चाहेंगे या बहुत कम लोग जा पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी नीड जो है रोजगार की होती है, और इस रोजगार के कारण या इस आर्थिक लोभ के कारण ही लोग उधर बढ़ रहे हैं। तो इसी पे बात की गई है, इसको देख लीजिएगा आप। स्यूडो साइंस की बात की गई है, क्या चीज़ें बात कर दी जाती हैं, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है द इम्प्लीकेशन ऑफ द 5G रोल आउट फॉर लॉ एनफोर्समेंट, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनाउंस द 5G डिप्लॉयमेंट ऑल इंडिया कॉमन्स सूनर दैट एक्सपेक्टेड। रिपोर्ट इनग्रेशन September 29, लॉन्ग अवेटेड अपग्रेड 4G टू 5G, है ना। अब एंसरिंग सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स, है ना। अब जब आएगा 5G तो ये क्या क्या चीज़ें करेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी में क्या पड़ेगा, क्रिमिनल्स क्राइम से क्या पड़ेगा, हमारे आम जीवन में क्या पड़ेगा, इसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आप 5G के बारे में पढ़िए और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, इसके बारे में बात करिए। ठीक है, इसके बाद जो है आर फ्रीबीज ये वे टू मास्क स्टेट इन एक्शन, है ना। आजकल फ्रीबी की बहुत बातें चल रही हैं, तो यहाँ पे फिरोज वरुण गांधी ने कहा है, तो आप इसे पढ़िए थोड़ा सा और उसके बाद मतलब समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग, है ना। तो चीज़ों को, प्रीवियस को और अच्छे से समझने में ये थोड़ा मदद करेगा आपको। उसके बाद है चाइनीज़ टेक फॉर्म्स अंडर वाइडर स्क्रूटनी इन इंडिया, है ना। जो चाइनीज़ टेक फॉर्म है, कल ही आपने पढ़ा होगा कि जो वेई है उसको उसके पर कई तरीके के प्रतिबंध या कई तरीके की स्क्रूटनी लगाई गई है, और आपको ये पता होगा कि ये USA में, कनाडा में, है ना, कनाडा में बैन है ना, कनाडा में बैन है, ऑस्ट्रेलिया में बैन है ना, ऑस्ट्रेलिया में इसके पार्ट्स पुर्जे, या यूरोप में, यूरोपीय देशों में बैन है। उसके बाद इसको कई तरीके के सपोर्ट नहीं मिलते हैं, आपको पता होगा ऑनर के नाम से ये फ़ोन बनाती थी, और जैसे इसने सबसे पहले प्ले स्टोर ने देना बंद किया, एंड्रॉयड ने देना बंद कर दिया इसको सपोर्ट, तो बहुत सारे सिस्टम सपोर्ट इसको नहीं मिलते हैं, जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से गिरी है। विश्व की No. 1 या No. 2 कंपनी हुआ करती थी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में, आज यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने, या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके के देशों ने, ये यूं कहिए कि जब अमेरिका के सहयोगी देशों ने इसे निग्लेक्ट करना शुरू किया, और इसी के क्रम में अब भारत है और ये स्कूटनी
स्क्रूटनी में है और बहुत दबाव पे ये महसूस कर रही हैं। जैसे अभी एक और भी चीज़ें आने की संभावना है कि 12,000 से नीचे चाइनीज़ फ़ोन नहीं बेचे जा सकते, इस तरीके की बातें होंगी तो फिर बहुत सारे दबाव में आएंगे और इनकी सेहत बिगड़ेगी। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं, सुरक्षा कारण भी हैं और कूटनीतिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है। तो आप इसे पढ़िए और समझिए चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद है एक्कल्चरेशन, है ना। एक्कल्चरेशन जो है एक वर्ड है, एक्कल्चरेशन एक वर्ड होता है समाज में, समाज के उसमें इस वर्ड का प्रयोग तब किया जाता है जब दो समाज, है ना, दो समाज परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप ये समझिए कि दो व्यक्ति हैं और दोनों आपस में साथ साथ रह रहे हैं, तो कई आदतें पहले व्यक्ति के दूसरे में और दूसरे व्यक्ति के पहले में आ जाती हैं, है ना। तो इसी को अकल्चरेशन कहते हैं। और कल्चर की बात करें तो दो कल्चर यदि एक साथ साथ जीवित हो रहे हैं तो कई क्या होता है कि दोनों एक तरीके से इससे सीखते हैं, है ना, या दोनों एक दूसरे में बदलाव लाते हैं। काफ़ी हद तक आपको लगा होगा, कुछ दिन के बाद आपको दिखेगा कि काफ़ी हद तक इस समाज से उस समाज में और उस समाज से इस समाज में ये बदलाव या ये चीज़ें एडप्ट कर ली गई हैं, है ना। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि यदि मैं यदि राजस्थानी और गुजराती समाज एक ऐसे शहर के पार्ट में दोनों बराबर रहने लगें, आधे गुजराती आधे राजस्थानी, तो कुछ दिन बाद देखना आपकी बहुत सारे ऐसे कॉमन चीज़ें होंगी कि दोनों घरों में होंगी, है ना। जब वो राजस्थान में रहेंगे तो अलग होगा, गुजरात में रहेंगे तो अलग होगा, लेकिन कॉमन चीज़ें होने लगेंगी। जैसे वो गरबा पे डांस करने लगेंगी, ये राजस्थानी कोई नृत्य पे डांस करना शुरू कर देंगे, कलबेलिया वगैरह इस तरीके, मतलब कल्चर जो होगा वो एक तरीके से एक दूसरे एडप्ट करना शुरू कर देंगे। इसी पे बात की गई है, एक टू वे प्रोसेस है, इसी पे पूरा पूरा का पूरा बात करा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है सेक्स रेशियो एट बर्थ नॉर्मलाइज स्लाइटली, है ना। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा स्लाइटली धीरे धीरे, तो ये भी स्टडी है, एक पढ़ सकते हो। इट फेल फ्रॉम 111 बॉयज़ पर 100 गर्ल इन 2001 टू 108 बॉयज़ इन, ये हो गया है ना। तो धीरे धीरे सेक्स रेशियो ठीक ठाक हो जाएगा। उसके बाद है टेक्नोलॉजी कंपनी वे वरी ऑफ लॉ और डिजिटल कंपटीशन पेज, है ना। टेक्नोलॉजी कंपनियां जो है वो डिजिटल मार्केट में और प्रियोडेटरी प्रैक्टिसेस इन द डिजिटल मार्केट स्पेस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर सबमिट ये रिपोर्ट ऑन हाउ कंपटीशन लॉ नीड इवॉल्व द डिजिटल मार्केट। तो एक चीज़ आप ये समझिए कि जो मोनोपोलीज वाली कंपनियां होती हैं उनके लिए जो सिस्टम बनाया जाएगा या कैसे कंपनियां कंपीट कर पाएंगी, है ना, कंपटीशन नहीं कर पाएंगी या फिर इसमें एक तरफा राज रह जाएगा, तो इसके लिए ये बातें की जा रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। इसके बाद है कि DRDO इंडियन नेवी टेस्ट इंडिजीनियस मिसाइल पेज नंबर, DRDO और इंडियन नेवी ने एक मिसाइल टेस्ट किया है, ठीक है। VLSRASM है ना, ये शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है, तो बढ़िया है कि ये शिप वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये शिपों में लगाया जा सकता है। तो ये सीधी सी बात है कि हमारी समुद्री सुरक्षा को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है ट्रेड गैप टू टेपर गुड्स में हिट 480 बिलियन डॉलर, है ना। तो इसके बाद बात की गई है, पेज नंबर 40 पे है, ट्रेड गैप टू टेपर गुड्स में हिट 480 बिलियन एक्सपोर्ट, है ना। तो ट्रेड गैप हम किसे कहते हैं, तो एक्सपोर्ट हमारा कम होता है और इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, तो इसी को जो ट्रेड गैप हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है थोड़ा सा, तो इसको देखना है आपको। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट जो है इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट Q1 GDP ग्रोथ एट 13 to 15.7%, है ना, 13 to 15.7%, 13 से 15.7% जो क्वार्टर फर्स्ट में है ये ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सर्विस सेक्टर में ड्राइव ग्रोथ, मतलब सर्विस सेक्टर सबसे आगे रहेगा,
बाकी की चीज़ें उसके पीछे रहेंगी। तो इस तरीके की बातें हैं, आज इतना ही है। और इतना पढ़ लें और कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।